हेलो भाई, दिस इज यावर हसन और आप देख रहे हैं यावर हसन फिटनेस। सो आज हम बात करेंगे ऐसी कमियों के बारे में जो हम लोग वर्कआउट, प्रोटीन, डाइट सब कुछ लेने के बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। वो मिसिंग है नॉलेज जो आपको नहीं है आपके वर्कआउट के बारे में। आप जो वर्कआउट कर रहे हो आपको नहीं पता है कि यह वर्कआउट आपके लिए सही है गलत है। किसी भी तरह का वर्कआउट गलत नहीं होता है, बस फिटनेस गोल अलग होता है। किसी को पावर बढ़ानी है उसका अलग वर्कआउट होगा, किसी को स्ट्रेंथ बढ़ानी है उसका अलग वर्कआउट होगा, स्प्रिंटर्स का वर्कआउट अलग होगा, मैराथन वालों का वर्कआउट अलग होगा, स्विमर्स का वर्कआउट अलग होगा, बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट अलग होगा, पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट अलग होगा पावर लिफ्टर्स का, और वेट लिफ्टर्स का वर्कआउट अलग होगा। एक क्रिकेटर का अलग होगा, एक फुटबॉलर का अलग होगा। प्रॉब्लम क्या आती है, वर्कआउट की जरूरत नहीं है। हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करते हैं। जिम जाते हैं वही सेम वर्कआउट, वही सेट्स, वही रैप्स, वही टेम्पो। एक दो महीने, तीन महीने तक ठीक है, बट उसके बाद आपका बॉडी वो चीज़ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। यानी मेरा कहने का मतलब है, आप सब कर रहे हो, प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बट स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो मिसिंग है जो आपको नहीं पता है, और जो ट्रेनर से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो आपको नहीं बता पा रहा है, समझा पा रहा है कि वो क्या है। तो वो ये जो एपिसोड शूट होने वाला है गाइस, ये सबके लिए है। मैं इसमें तीन मेन टॉपिक कवर करूंगा। जिन लोगों को सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी है, या जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स हाइपरट्रॉफी, और जिन लोगों को अपना स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ाना है, ये तीन अलग गोल होते हैं, ठीक है। सो इस तीनों को मैं अलग अलग एपिसोड में कवर करूंगा। पावर का एक अलग एपिसोड होगा, हाइपरट्रॉफी का एक अलग एपिसोड होगा, और जो लोग एंड्योरेंस या वेट लॉस करना चाहते हैं उनका एक अलग एपिसोड होगा। सो ये गाइस, कल से ये एपिसोड स्टार्ट होंगे। मेरा पहला जो एपिसोड होगा वो रहेगा मसल्स हाइपरट्रॉफी। तो अपने दिमाग में अपना विजन को क्लियर रखना कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। अब लड़कों को क्या सब प्रॉब्लम क्या है, उनको बॉडी बिल्डिंग भी करना है, उन्हें वेट भी उठाना है, उन्हें स्टैमिना भी चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, यानी कि आपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए इतना ज्यादा वेट उठाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि बस मुझे वेट उठाना है, वेट उठाना है। नहीं, यहां अपनी आप पावर स्ट्रेंथ को ट्रेन कर रहे हो। लेकिन जब आप पावर अपनी स्ट्रेंथ को ट्रेन करते हो, जब उसको गेन करते हो, उसके लिए जो ट्रेनिंग करते हो, उसमें वेट तो उठता है लेकिन रिपीटेशन बहुत कम होती। अब आप उसी वेट से रैप्स मारे जा रहे हो, तो ना ही आप पावर ट्रेन कर रहे हो, ना ही आप अपना हाइपरट्रॉफी हो रही है आपकी बॉडी में, और ना ही आपका किसी बॉडी तरह शेप आ रहा है, यानी बॉडी बिल्डिंग हो ही नहीं रही है, इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। यानी आप सबका खिचड़ी बना रहे हो। सो मेरा ये एक इंट्रो वीडियो है, मैंने सोचा आपको सबके बताऊंगी कल से मैं किस तरह का एपिसोड शूट करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने समझ लिया, आई थिंक सो, आप लोग अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर सकोगे जैसे पर्सनल ट्रेनिंग जो ट्रेनर्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं अपने क्लाइंट को, जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं। बट हर इंसान पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से क्या वर्कआउट करना है। देखिए, वर्कआउट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हाउ मच यू लिफ्ट, आप कितना लिफ्ट कर सकते हो, आपको कितना लिफ्ट करना है, हाउ मच यू कैन लिफ्ट, आप कितना लिफ्ट कर सकते हो और आपको कितना लिफ्ट करना है। दूसरी चीज, आपकी स्पीड, टेम्पो जिसे हम लोग बोलते हैं, आप कितने स्पीड से उसको लगा रहे हो, किस रेशियो से लगा रहे हो। तीसरा, आपको सेट्स कितने लेने हैं, क्योंकि सेट्स डिसाइड करते हैं आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, यहां पर आपका सबसे मेन रोल होता है। चौथी चीज, आपको एक सेट कितनी देर में खत्म करना है, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 60 सेकेंड में, और यही सब चीजें डिसाइड करेगी आपके फिटनेस गोल को कि आपकी बॉडी इन सब करने के बाद किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। समझना जरूरी है, टाइम निकालो, 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी, डिटेल वीडियो बनेगी, देखो क्या हो सकता है ये 5-10 मिनट आपके लिए आपकी लाइफ चेंज कर दे। सालों से लगे होंगे वर्कआउट करने में लेकिन कोई रिजल्ट नहीं होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग हर काम कर चुके हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, उनकी बॉडी प्लेटो हिट कर चुकी है। तो कल मैं जो शूट करूंगा वर्कआउट, वो रहेगा मसल हाइपरट्रॉफी। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, वो मैं कल बनाऊंगा कि कितने सेट, कितने रेप्स, क्या टेम्पो, किस तरीके से रेस्ट आपको रखना है, कितने सेकंड्स में सेट खत्म करना है, ये सब कंप्लीट वीडियो, डिटेल वीडियो रहेगी मसल्स हाइपरट्रॉफी, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, जिनको अपने मसल्स का साइज गेन करना है। सो गाइस, अपना विजन क्लियर करो।
ये नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको करना एंड्योरेंस ट्रेनिंग और वीडियो मसल गेन की देख रहे हो, आपके लिए फायदा नहीं है, क्योंकि सब एक अलग अलग चीज है। सो गाइस, कल मैं करूंगा मसल्स हाइपरट्रॉफी, तो कल तक वेट करना पड़ेगा आपको। इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओवर एंड।